गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो लेट्स वेलकम इन अवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम अपने अल्फ़ाबेट का बुक के सारे अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे, मतलब सारे नहीं, एम तक। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए। ए फॉर क्या होता है, एप्पल। एप्पल क्या होता है, एप्पल मतलब सेब। ये रेड कलर का होता है और खूब टेस्टी टेस्टी मीठा मीठा होता है। और आपको एक चीज़ और पता है, एप्पल हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए हमें एप्पल हमेशा खाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ें। हाँ चलिए, बी। बी फॉर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बी फॉर होता है हमारा बियर। बियर मतलब भालू। भालू कहाँ पाया जाता है, जंगल में। और बी फॉर बॉल भी होता है जिससे हम लोग खेलते हैं। अब क्या है, अरे भाई ये तो बहुत ही क्यूट है। और हमारा क्या है, ये सी। सी फॉर क्या होता है, कैट। और आपको पता है कैट एक पेट एनिमल भी है जिसे हम लोग अपने घर में पाल पोस के रख सकते हैं, मतलब उसको रख सकते हैं। सी इज पेट एनिमल। ओके डियर स्टूडेंट, सो अब आगे बढ़े। चलिए ये क्या है, ये तो डॉग टाइप का दिख रहा है, मतलब डी फॉर डॉग होता है। डॉग भी हमारा पेट एनिमल है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है हमारा, ई। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। आपको पता है ये बहुत सारे काम कर लेता है, बहुत हार्ड वर्किंग होता है। और ई फॉर हमारा एलिफेंट होता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ। एफ फॉर फिश। आपको पता है फिश बहुत ही रंग बिरंगे तरीके की होती है, और एक तरह की मछली नहीं होती, बहुत तरीके की। और फिश को हिंदी में मछली बोलते हैं, तो एफ फॉर हमारा फिश होता है। आगे बढ़ें। हाँ चलिए बढ़ते हैं। अरे ये क्या है, ये तो कुछ खाने वाली चीज़ लग रही है शायद ना, तो ये जी फॉर हमारा ग्रेप्स होता है। क्या होता है, ग्रेप्स। ग्रेप्स मतलब अंगूर। ये खट्टा मीठा सा होता है और बहुत ही टेस्ट लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और हाँ, जैसे एप्पल हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होता है ना, सेम ये भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, गुड फॉर हेल्थ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एच। एच फॉर क्या होता है हमारा, हैट। हैट मतलब टोपी। तो टोपी को गर्मियों में कहीं भी आना जाना तो टोपी ज़रूर लगा के जाना, उसे क्या कहते हैं, हैट। एच फॉर हैट। आगे बढ़े। ओ ये तो कुछ स्वीट सा टेस्टी टेस्टी सा दिख रहा है, आइसक्रीम है क्या। हाँ देखो, आई फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी होती है भाई, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होगी ही होगी ना स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़े। आई। फिर आई के बाद क्या है, जे। जे फॉर जीप। जीप मतलब जीप गाड़ी होती है जिससे हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब आ जा सकते हैं। तो आगे बढ़ें। ये क्या है, शायद के। के फॉर की। की मतलब चाबी। चाबी क्या होता है, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो घर में ताला चाबी लगाते हैं, तो ताला तो हम लोग गेट पे ही लगा देते हैं और चाबी अपने साथ लेके जाते हैं, तो के फॉर क्या होता है, की। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ ये क्या है, ये तो लायन है। एल फॉर लॉयन। लॉयन मतलब शेर। अरे ये तो जंगल का राजा भी होता है, आपको पता है जंगल का राजा कौन है, शेर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आगे बढ़ें। ये लीजिए, हम अपने लास्ट पेज पे आ गए। लास्ट पेज नहीं, मीन्स अभी तक हमें इतना ही करना है। तो ये क्या है हमारा, एम। एम फॉर मैंगो। वाओ इट्स सो टेस्टी। आपको पता है मुझे मैंगो तो बहुत पसंद है, और गर्मियों में मैंगो जूस मिल जाए तो वाह क्या बात है। सो एम फॉर मैंगो। मैंगो मतलब आम, और आम फलों का राजा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।